हमारे भारत में गर्भवती महिलाओं एवं उनके होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 2010 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाने की व्यवस्था की गई है। हमारे राजस्थान के करौली जिले की महिलाएं जो गर्भवती हैं, अपने टीकाकरण कार्ड नहीं बनने की वजह से कितनी परेशान हो रही हैं। कितने दिन से प्रेग्नेंट हो आप? 8 महीना। तो अब आपको क्या परेशानी है? हमको परेशानी कि 2 टीका लग गए तो कार्ड अभी तक नहीं मिला, और गोली लेके जाऊँगा तो बोलती है अब लगता है ना, अब भी नहीं है, तो फिर जाओ तो फिर के अब भी नहीं आया, अब दोबारा आना खत्म होगी, कभी कैसे कैसे बाहर आना। अब कार्ड मिला आपके लिए? नहीं मिला अभी तक। कार्ड क्यों नहीं मिला आपको? ऐसे बहाने बनाती है, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों, ऐसे ऐसे अब तक 8 महीने निकाल दी। फिर आप हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल गए थे ना, बड़ी दीदी हम गए जो मना कर दी, उनको पहले कार्ड लेकर आओ, जब तुम्हारे खून जाँच होगा, नहीं तो कार्ड भी नहीं बने ना, खून जाँच हो कुछ भी नहीं हो, हम 2 बार गए, 2 बार भगा दिए ना। ये वे महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं और ज़्यादा कुछ समझती भी नहीं हैं। यह महिलाएं 8 माह से गर्भवती है। इन्होंने सहयोगिनी के द्वारा टीकाकरण करवाया, लेकिन टीकाकरण कार्ड नहीं मिलने के कारण स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा इन्हें देखने से मना कर दिया जाता है। इन महिलाओं द्वारा कार्ड बनवाने के लिए कई बार आंगनवाड़ी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा इन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ना ही इन महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों से आयरन की टैबलेट व पोषाहार दिया जा रहा है। तो इन्होंने टीकाकरण कहाँ पे कराया है? अस्पताल। तो आपने आंगनवाड़ी पे क्यों नहीं गए? नहीं, आंगनवाड़ी आती नहीं है देखने, वे 10-11 बजे तो आती है, चली जाती हूँ, ऐसी देर बैठ बैठ के। आयरन की टैबलेट वगैरह है? गोली वगैरह मिली तुम्हें? नहीं मैडम, आती हैं टीकाकरण करने तो, लेकिन वो कार्ड लेके नहीं आती हैं। कई 1-2 लेडीज हैं जो उनके कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। तो उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? मैंने 2-3 बार मैडम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अब मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद में जो मैडम लगेगी वो कार्ड बनाएगी। यदि किसी के लिए टीकाकरण नहीं बनता है तो फिर क्या करोगी? हम हॉस्पिटल ले जाके भी लगवाते हैं, उनका कार्ड वहाँ से भी बनवा देते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा गर्भवती महिलाओं को उचित मदद नहीं मिल पा रही है। मैं खुद समझती हूँ एक गर्भवती महिलाओं को कितनी परेशानी आती है, इसलिए माँ के घर में पल रहे बच्चे को नया जीवन मिले एवं किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो। सुनीता कसेरा, इंडिया नर्ड।